ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं आत्मनिर्भर बनने के लिए आजीविका मिशन के तहत जुड़ सकती है और सस्ती दरों पर आजीविका मिशन के तहत ऋण ले सकती है। बैंक उस SHG को शुरुआत में 1.5 लाख रुपए तक का लोन करता है। पापड़, मंगोड़ी, अचार बनाने का रहा, ये सरसों का तेल बनाते हैं उसका रहा, अगरबत्ती बनाने का रहा, मोमबत्ती, साबुन, और जैसे मान लो ये बोलते हैं अपन ये पत्तल ढूंढे जो आते हैं जी, ये बनाने का, ये अगर वो काम कर रहे तो बैंक वाला उसको ज्यादा लोन दे सकता है। ब्याज की क्या स्थिति रहेगी? ब्याज की देखो इसमें 70 से 80 पैसा लगता है। अपने दिनेश जी का कहना है कि केवल आपको 70 से 80 पैसे में लोन मिलने वाला है और आपकी अगर लेन देन सही है, आपका सिस्टम सही है तो उसमें भी आपको 30 से 40% तक की सब्सिडी मिल सकती है। यानी वास्तविक रूप में देखा जाए तो दुनिया का सबसे सस्ता लोन मिलने वाला है आपको। किसान साथियों राम राम, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल खेतरी तकनीक में। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं आत्मनिर्भर बनने के लिए, अपने स्वरोजगार को स्थापित करने के लिए आजीविका मिशन के तहत जुड़ सकती है और स्वयं सहायता समूह का निर्माण करके सस्ती दरों पर आजीविका मिशन के तहत ऋण ले सकती है। आज का हमारा वीडियो विशेष रहेगा कि आजीविका मिशन के तहत जिन महिलाओं ने समूह बना लिया है वो लोन किस प्रकार से प्राप्त करेंगी और किस प्रकार से राज्य सरकार की ओर से यह सस्ता लोन दिया जाएगा, उसकी अदायगी की क्या व्यवस्था रहेगी और कौन से उद्योग धंधे आप स्थापित करके इस ऋण योजना का लाभ ले सकते हैं। सस्ता ऋण लेने की इस प्रक्रिया के बारे में जानकारी के लिए आज हम फिर से हैं हमारे आजीविका के एरिया कोऑर्डिनेटर दिनेश जी यादव के साथ और दिनेश जी यादव से जानेंगे कि जिन महिलाओं ने समूह का निर्माण कर लिया है वो किस प्रकार से ऋण के लिए आवेदन करे, कितना ऋण उनको दिया जाएगा और ऋण अदायगी उसकी ब्याज दरों की क्या व्यवस्था रहेगी। तो आइए मिल लेते हैं एक बार फिर से अपने आजीविका मिशन से जुड़े हुए एरिया कोऑर्डिनेटर दिनेश जी यादव से और जान लेते हैं कि भाई महिलाएं किस प्रकार से आजीविका मिशन के तहत ऋण प्राप्त कर सकती है और किस प्रकार से अपने स्वरोजगार को शुरू करके आत्मनिर्भर बन सकती है। आइए राम राम साहब। राम राम साहब। राम राम साहब। दिनेश जी पिछले वीडियो में आपने जानकारी दी थी हमारे मातृशक्ति को, ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को कि भाई आजीविका समूह का निर्माण कैसे करें। आज हमारे साथी जो आजीविका समूह बनाने की विचारधारा बना रहे हैं या जो महिला शक्ति आजीविका समूह बनाना चाह रही है उनके लिए जानकारी दीजिए कि भाई समूह का निर्माण हो गया, बैंक खाता खुल गया, फिर महिलाओं को लोन लेना है, ऋण लेना है तो ऋण लेने के लिए उनको क्या प्रक्रिया करनी पड़ेगी? देखो ऋण लेने के लिए कम से कम समूह को 5 महीने पुराना होना चाहिए। अच्छा, समूह 5 महीने पुराना होना चाहिए। उसमें क्या होता है, जैसे मान लो सरकार जब समूह बन जाता है ना, मान लो आज समूह बन गया जी, तो आज से 3 से 5 महीने के अंदर अंदर सरकार के द्वारा उसको 15,000 रुपए की राशि मिलती है। जी जी। अब उस 15,000 की राशि का वो लेन देन अगर अच्छे से कर रही है, सरकार उससे ब्याज नहीं लेती। जी जी। उस 15,000 को सरकार उसके खाते में डालती है। जी। सरकार कभी भी उस 15,000 रुपए की राशि का ब्याज नहीं लेती। जी जी। जब तक वो समूह चला रही है। जी जी। सही है। अब वो समूह ठीक ठाक चला रही है तो अगर उसको लोन की जरूरत है जी, तो वो 5 महीने कम्प्लीट होते ही जी जी एक बैंक में जाएगी जिसमें उसका खाता खुला हुआ है जी। वो बैंक उस SHG को शुरुआत में 1.5 लाख रुपए तक का लोन करता है जी। जैसे मान लो एक महिला को 15,000, 10 महिला है, 1.5 लाख का लोन हो गया जी जी, तो एक महिला को 15,000 रुपए मिल गया। आगे क्या रहेगा फिर इसका? अब फिर शुरुआत जैसे 5 महीने 6 महीने हो गए जी, फिर सरकार इसको T2 की जो राशि आती है जी वो 75,000 रुपए की राशि होती है जी। T2 क्या एक बार थोड़ा स्पष्ट करें? T1 होता है 15,000 शुरुआती। अच्छा, ये जो 15,000 का जो लोन है गवर्नमेंट के खाता खुलते है स्वयं डालेगी या? बिल्कुल, खाता खुलते है स्वयं, राज्य का डिपार्टमेंट है ना। अच्छा, वो उसको 15,000 रुपए की राशि डालती है जी जी। T1 हो गया, वो T1 हो गया जी। और T1 के बाद में अगर मान लो उसको लोन की जरूरत है जी जी, वो बैंक से रिक्वायर कर लेगी जी जी, वो एक अलग है जी। लेकिन T2 की जो राशि होती है वो भी सरकार 75,000 रुपए की राशि 19 SHG को डालती है जिसमें जुड़ी हुई महिला है जी, तो वो उनके 75,000 रुपए डालती है। सरकार के द्वारा भी, राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा एक समूह को लोन राशि बढ़ा दी जी, तो जी। वो 20 लाख तक का एक समूह को लोन दे सकती है जी। T1 के तहत 15,000 रुपए डाल दिए, महिलाओं ने उसको उपभोग मिली है या खाते में पड़ा रहा कैसे भी रहा, हाँ। वापस चुका दिया। आगे महिलाएं हैं, कोई पापड़ बनाने का है, सिलाई कढ़ाई का है, बुनाई का, कोई भी अपना बिजनेस करना चाह रही है, कुटीर उद्योग लगाना चाह रही है, तो आप कह रहे हैं कि 1.5 लाख रुपए तक का दे रही है, तो कोई अगर थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट लेना चाहे महिलाएं तो 1.5 लाख से ज्यादा का भी लोन मिलेगा क्या? 1.5 लाख से ज्यादा का हो सकता है। जैसे मान लो पापड़, मंगोड़ी, अचार बनाने का रहा, ये सरसों का तेल बनाते हैं उसका रहा, अगरबत्ती बनाने का रहा, मोमबत्ती, साबुन जी जी, और जैसे मान लो ये बोलते हैं अपन ये पत्तल ढूंढे जो आते हैं जी जी, ये बनाने का, ये अगर वो काम कर रहे तो बैंक वाला उसको ज्यादा लोन दे सकता है, ज्यादा लोन दे सकता है। अच्छा, इसमें जो लोन दिया जा रहा है उस पे
ब्याज की क्या स्थिति रहेगी? ब्याज की देखो इसमें 70 से 80 पैसा लगता है। 70 से 80 पैसा, हाँ जी। और अगर वो टाइम टू टाइम अगर वो जमा करा रही है सरकार ने या फिर बैंक वाले ने कुछ एनआरएलएम डिपार्टमेंट एनआरएलएम पोर्टल पर अगर वो सच छा हुआ है तो 30% तक उसको छूट मिल जाती है। अच्छा, जो 70 से 80% जो ब्याज है उसपे भी 30% की छूट मिल जाती है। महिला शक्ति किसान साथी ध्यान दे, अपने दिनेश जी का कहना है कि केवल आपको 70 से 80 पैसे में लोन मिलने वाला है और आपकी अगर लेन देन सही है, आपका सिस्टम सही है तो उसमें भी आपको 30 से 40% तक की सब्सिडी मिल सकती है। यानी वास्तविक रूप में देखा जाए तो दुनिया का सबसे सस्ता लोन मिलने वाला है आपको। अगर आप आत्मनिर्भर बनना चाह रहे हैं, अपने पैरों पे खड़ा होना चाह रहे हैं, अगर आप अपनी आत्मशक्ति क्रिएटिविटी को दिखाना चाह रहे हैं, उसका कुछ फायदा लेना चाह रहे हैं। अच्छा, लोन ले लिया, सारा काम हो गया, महिलाओं ने आपस में जो लोन की राशि थी अपने स्तर पर बांट ली, ठीक है। अब ऐसे बताइए कि मान लीजिए कोई महिला है लोन नहीं चुका पा रही है, तो लोन नहीं चुका पाने की स्थिति में ग्रुप जिम्मेदार होगा या वो महिला जिम्मेदार होगी इसके लिए? इसमें ये होता है, जैसे मान लो किसी भी ग्रुप को अगर लोन मिला जी, तो सबसे पहले बैंक वाला क्या है, सभी जो एसएचजी में जुड़ी हुई महिला है सभी का अकाउंट खोलता है। अच्छा अच्छा, सबसे पहले तो व्यक्तिगत अकाउंट भी खोले जाते हैं, व्यक्तिगत अकाउंट खोलते उसी बैंक में जिससे ऋण लिया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, उसी बैंक में होना चाहिए जी। जैसे मान लो अगर किसी महिला के कुछ हो जाता है जी जी, आकस्मिक कोई घटना हो जाती है या और कुछ हो जाता है, तो बैंक अगर जब भी लोन देगा तो उसका बीमा करेगा, 500 रुपए तक का वो उसकी राशि काटेगी। एक तो 436 रुपए का बीमा होता है, एक 20 रुपए का बीमा होता है जी जी। वो दोनों बीमा मिलाकर उसको 4 लाख तक का बीमा करता है एक महिला का जी। सिंगल महिला को 4 लाख तक का बीमा करता है। उसमें क्या होता है, अगर मान लो किसी महिला के कुछ हो जाता है जी, तो जो बैंक का ऋण है वो तो बैंक में जमा हो जाएगा, बाकी जो पैसा वो उसको घर वालों को मिल जाएगा। अच्छा, महिला को मिल जाएगा, घर वालों को, आज जो महिला के परिजन है उनको मिल जाएगा, उनको मिल। ये भी अच्छी जानकारी दी आपने। महिलाओं ने समूह में तो आप बता रहे हैं कि भाई ऋण के लिए ऐसे ले सकते हैं, कोई महिला व्यक्तिगत तौर पर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही है, कोई कुटीर उद्योग स्थापित करना चाह रही है, तो उसके लिए भी इस राजीव का मिशन के तहत कोई सस्ता लोन देने की प्रक्रिया है? इसमें सस्ता लोन है, जैसे इसमें मान लो कोई भी महिला जुड़ी हुई है एसएचजी में, जुड़ी हुई महिला अगर अपना छोटा मोटा कुछ भी, जैसे किसी ने दुकान खोल रखी है, अच्छा, जैसे मान लो वो साड़ी की हो गई या फिर मान लो सिलाई मशीन हो गई या कुछ भी एक्स वाई जेड जैसे पार्लर हो गया, तो उसको हम ऋण उपलब्ध करवाते हैं। अच्छा, केवल जो आपके स्वयं सहायता समूह में जुड़ी हुई महिला ही व्यक्तिगत तौर पे भी ऋण ले सकती है? बिल्कुल, कितने कितने रुपए तक का लोन दे दिया जाता है स्टार्टअप को देखकर? अच्छा, स्टार्टअप के ऊपर है, कितने रुपए तक का लगभग लोन दे देते हैं व्यक्तिगत? शुरुआत तो अगर 1-1.5 लाख, 2 लाख तक कर देती है जी जी जी। बाद में धीरे धीरे अगर उसका बढ़ रहा है, वो बैंक से अच्छे लेन देन कर रही है, बैंक से उसका अच्छा व्यवहार है, तो बैंक उस हिसाब से उसको लोन कर देता है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं और किसान साथी ध्यान दे, अगर आपके यहाँ महिला शक्ति पड़ी हुई है, आत्मनिर्भर बनना चाह रही है, तो दिनेश जी का कहना है कि समूह के अलावा अगर कोई महिला अपना व्यक्तिगत स्टार्टअप करना चाह रही है तो उसके लिए भी उनको सस्ता ऋण दिया जाएगा। अच्छा, ऋण की जो ब्याज दरें हैं व्यक्तिगत तौर वाली, वो भी सेम ही समूह के, जो व्यक्तिगत तौर पर महिलाएं ऋण लेना चाह रही है उनको भी ब्याज की दरों का भुगतान समूह वाली ब्याज की दरों के हिसाब से करना पड़ेगा, यानी 70 से 80 पैसे, और अगर आपका लेन देन अच्छा है तो वो 30 से 40% आपको सब्सिडी मिल जाएगी। जो महिला एसएचजी में जुड़ी हुई है ना जी जी जी, वो ही महिला इंदिरा रसोई चला सकती है। अच्छा, और कोई जैसे ये नहीं कि पहले ये होता था सरपंच का कोई जानकार हो गया या और कोई किसी के अप्रोच लगा कर उसमें दिया दिया, नहीं, इसमें जो एसएचजी में महिला जुड़ी हुई होगी वो ही इंदिरा रसोई का काम करेगी जी। उसमें सरकार के द्वारा यह है कि जो 8 रुपए में थाली मिलती है जी, 8 रुपए जो व्यक्ति खाएगा खाना वो देगा, 17 रुपए सरकार देगी, मतलब एक प्लेट का उसको 25 रुपए दे सकता है जी जी जी, और पूरा एसएचजी मिलकर उसको चला सकता है। ऐसा नहीं कि भाई कोई 3 ही आ गया, कोई 2 आ गया, नहीं, कोई भी एक एसएचजी मिलकर उस काम को कर सकता है जी जी। बहुत अच्छी जानकारी दी। तो दिनेश जी का कहना है कि राज्य सरकार की ओर से जो इंदिरा रसोई परियोजना चलाई जा रही है उसको भी विशेष तौर पर केवल जो राजीव का डिपार्टमेंट है उसको सौंप दिया गया है, और राजीव का डिपार्टमेंट के तहत जो समूह बनाए गए हैं उन्हीं को ये काम दिया जा रहा है। और पिछले दिनों हमने देखा कि भाई जो राजस्थान आजीविका ग्रामीण ऋण योजना चली थी उसके तहत काफी लोगों ने बिना ब्याज के ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन किया और बहुत से लोगों के जो आवेदन थे निरस्त हो गए, पर एक राजीव का डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई समूह से जुड़ी हुई महिलाएं ऐसी थी जिनको किसी प्रकार की गारंटी की जरूरत नहीं थी और उनको बिना गारंटी के केवल समूह के बेसिस पर तो उनको सस्ता लोन दिया गया। इसलिए अगर आप राज्य सरकार की ब्याज मुक्त ऋण योजनाओं एवं सस्ती ऋण योजनाओं का लाभ लेना चाह रही हैं, आत्मनिर्भर बनना चाह रही हैं, तो राजीविका जो मिशन है, राजीविका की जो ऋण योजना है उससे जुड़े। निश्चित तौर पर यह राजीविका मिशन आपको आत्मनिर्भर बनाने, आपके सपनों को उड़ान देने के लिए एक फायदे का सौदा हो सकती है।
राजीव का मिशन के तहत ऋण प्राप्त करने में अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है या और भी कोई जानकारी आप अगर लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीन एवं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एरिया कोऑर्डिनेटर दिनेश जी यादव के कॉन्टेक्ट नंबर दे रखे हैं, आप इन पे संपर्क करके इनसे पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी आप इसके संबंध में जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूले, ताकि अन्य जो महिला वर्ग है, अन्य जो महिलाएं स्वरोजगारी तू प्रयास कर रही है, सस्ता ऋण लेने का मानस बना रही है, उन तक भी ये जो बहुमूल्य जानकारी है पहुंच सके। साथ ही साथ अगर आप हमारे YouTube चैनल खेती तकनीक पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि खेती बाड़ी के साथ साथ आपको राज्य सरकार की ओर से चलाई जाने वाली सस्ते ऋणों की एवं कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी घर बैठे मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, फिर लेकर आएंगे आपके लिए खेतीबाड़ी एवं पशुपालन से संबंधित विभिन्न प्रकार की नवाचारी योजनाओं एवं अनुभवों के साथ साथ राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही सस्ती ऋण योजनाओं की जानकारी, जो आपको सस्ता ऋण तो उपलब्ध करवाएगी, साथ ही साथ आपको सीधा आर्थिक लाभ भी देगी। तब तक के लिए सभी किसान साथियों को मातृशक्ति को राम राम, जय हिंद, जय भारत।